राजस्थान की जनता इस बार हाथ का साथ छोड़कर कमल के साथ जा सकती है। राजस्थान के फाइनल ओपिनियन पोल में इस बार कुल 200 में से 114 से 124 सीटों पर तो कमल खिलने का ही अनुमान है। कांग्रेस सिर्फ 67 से 77 सीटों पर सिमटती दिख रही है, वहीं 5 से 13 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। हालांकि बीजेपी में टिकटों को लेकर जिस तरह से पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ रही है, उससे यह नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ओपिनियन पोल में कांग्रेस की सरकार भले नहीं बनती दिख रही है, लेकिन सीएम के तौर पर पहली पसंद के तौर पर अभी भी अशोक गहलोत ही है। पोल के मुताबिक अशोक गहलोत 41% लोगों की, जबकि सचिन पायलट 11% लोगों की पसंद है। वसुंधरा राजे 25% लोगों की पहली पसंद है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत 3% लोगों की, अन्य उम्मीदवार 20% लोगों की पहली पसंद है। राजस्थान में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है। गहलोत और सचिन पायलट की टिकट बंटवारे को लेकर भी गुटबाजी तेज है। ऐसे में 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले जो पार्टी इस बगावत को जितना ज्यादा थाम लेगी, उसे उतना फायदा होगा।